नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज गिरिजा व्यास क्या उदयपुर सिटी से दोहरा पाएंगी अपना इतिहास? ये बहुत ही बड़ा सवाल सामने आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करने के लिए पार्टी के सबसे बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। कांग्रेस की पूर्व सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास जानी मानी हस्ती है, जानी मानी नेता है। अब वह विधानसभा में अपनी किस्मत चमकाना चाहती है और 2014 में लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ से उन्हें शिरकस्त मिली थी। अब गिरिजा व्यास उदयपुर सिटी से विधानसभा क्षेत्र में मैदान में उतारी गई हैं। 8 जुलाई 1946 में गिरिजा व्यास का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण शर्मा है और मां का नाम जमुना देवी व्यास है। और जो गिरिजा व्यास हैं, उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण की है, जिन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी उपाधि मिली है और वो बहुत ही दिग्गज नेता हैं। उनकी पढ़ाई जो है वो उदयपुर से ही हुई थी। गिरिजा व्यास ने कई किताबें भी लिखी हैं। गिरिजा व्यास पहली बार उदयपुर सिटी से ही कांग्रेस की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और साल 1985 में वे उदयपुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बनी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने 1991 में लोकसभा की ओर अपना रुख कर लिया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उदयपुर से जीत हासिल की थी, जिसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार के बाद वे सूचना एवं प्रसारण विभाग में डिप्टी मिनिस्टर बनी थी। गिरिजा व्यास ने 1991 में उदयपुर से जीत हासिल करने के बाद 1996 में दूसरी बार और 1999 में तीसरी बार लोकसभा में सांसद चुनी गई थी। हालांकि उसके बाद उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन वहीं 2009 में गिरिजा व्यास ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी गई, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी शिकस्त मिली थी। डॉक्टर गिरिजा व्यास एक बार फिर से इतिहास को दोहराने के लिए उदयपुर सिटी से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर गई हैं। गिरिजा व्यास ने साल 1985 में उदयपुर सिटी से ही पहली बार विधायक वो बनी गई थी। अब 2018 में एक बार फिर से वे अपने भाग्य को आजमाने के लिए और इतिहास को दोहराने के लिए उदयपुर सिटी से मैदान में उतर चुके हैं। उनके सामने बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया मैदान में है, इसलिए व्यास के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। हालांकि कटारिया को व्यास ने पटकनी दी हुई है, लेकिन देखा जाएगा जो कि गिरिजा व्यास हैं, वो पहले भी यहाँ से 3-4 बार चुनाव जीत चुकी हैं, तो वहाँ की जनता उनको अच्छे से जानती है। उनके बीच में वो जानी मानी हस्ती हैं, तो देखा जाएगा वहाँ से वो दोबारा से इस इतिहास को दोहरा पाएंगी या फिर नहीं। तो जल्दी हम लौटेंगे इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।